हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो हम लोग अभी प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं, जो बैफ को भी एमकॉम को भी है, राइट। तो पहले काम करते, फिर तारीफ बाद में करेंगे, ठीक है। सम काफ़ी खतरनाक है, अलग अलग कॉलम बनाना पड़ता है, पोस्टिंग करना पड़ता है, ओके। तो देख के समझ ही आ रहेगा, राइट। अब जिसको सीखना है बच्चा अच्छे से ध्यान देगा आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे, जिससे क्वांटिटी पता करेंगे कि कितना इस्तेमाल हुआ है। फिर उसका रेट निकालेंगे, रेट से अमाउंट निकालेंगे। ये फाइनल आंसर प्रोसेस अकाउंट, ओके। ये फाइनल, ये टैली होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सो एंड सो है, राइट। तो पहले क्वेश्चन रीड करके समझेंगे कि कितना इनपुट था, कितना आउटपुट तैयार किया, राइट। तो इसमें क्या दिया है, एक्स वाई जेड एंगेज इन ए प्रोसेस इंडस्ट्री, अलग अलग प्रोसेस हो रहा है। ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ अगस्त 2014 2000 यूनिट्स फिर इंट्रोड्यूस, कितना इंट्रोड्यूस किया, 2000। मतलब 2000 यूनिट्स लेके आया उन्होंने, इंट्रोड्यूस किया, ओके। तो वो इनपुट हो गया, मतलब 2000 का माल लेके आया, राइट। 2000 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। अब 2000 की कहानी क्या हुआ, उसमें नॉर्मल लॉस हुआ 5%। तो 5% नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट, मतलब 2000 पे 5% लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस मतलब जो होता ही है, तो 500 क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, ओके। तो इसके बाद क्या बोला, एट द एंड ऑफ द मंथ 1400 यूनिट्स बीन प्रोड्यूस, मतलब 1400 यूनिट्स तैयार किया, उसको फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं आप लोग, ओके। 1400 यूनिट्स तैयार किया, और जिसमें से 460 यूनिट्स फिर इनकम्प्लीट, मतलब 460 क्या था, इनकम्प्लीट, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोल देंगे। तब इधर मैं ऐसा लिख दूंगा, राइट। तो ये ऐसा लाइन मार देंगे इधर, चल बंटी आ जा। तो टोटल कितना यूनिट्स है, 2000। अब 2000 का हिसाब बताने का, मान आपको 2000 दी, तब हिसाब बताएंगे। तो बोलेंगे नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस 5% किस पे, इनपुट पे, 2000 पे 5%, 100 नॉर्मल लॉस हो गया। यूनिट्स कंप्लीटेड, कितना यूनिट्स कंप्लीट किया, इधर दिया 1400 यूनिट्स हैज बीन प्रोड्यूस और ट्रांसफर टू वाई, मतलब तैयार हो के वाई में गया, पुनः एक्स का बना रहे, राइट। तो 1400 कंप्लीट किया, ये 1400 हो गया, सिंपल। फिर इधर एक चीज़ और बोला है, 460 यूनिट्स फिर इनकम्प्लीट, 460 क्या था, इनकम्प्लीट था, राइट। तो 460 इनकम्प्लीट, उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अभी एक चीज़ इधर नया दिया, क्या दिया मालूम है क्या, एंड 140 यूनिट्स, ये क्या था, आफ्टर पासिंग थ्रू फुल्ली एंटायर प्रोसेस हैड बीन स्क्रैप, स्क्रैप मतलब भंगार हो गया, राइट। अब इसका तुम लोग को डिस्क्रिप्शन समझाता हूँ। तो टोटल स्क्रैप हुआ 140, टोटल कितना स्क्रैप हुआ, 140, इधर दिया ना 140 यूनिट्स पासिंग थ्रू फुल्ली एंटायर प्रोसेस हैड टू बी स्क्रैप, मतलब 140 भंगार हो गया। तो भंगार में दो होता है, एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो होता ही है, एबनॉर्मल लॉस जो अलग से हो गया। तो नॉर्मल लॉस कितना दिया अपने को, 100, 5% निकल के कितना है, 100। तो नॉर्मल लॉस 100 है, राइट। तो टोटल स्क्रैप में से 140 में से 100 नॉर्मल लॉस है, तो 40 क्या हो जाएगा अपना, एबनॉर्मल लॉस। तो अभी इधर जगह नहीं था, इधर मैं छोटे से एडजस्ट करता हूँ, तो इधर लिख देता हूँ एब नॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल यूनिट्स कितना हो गया, 40। तो अब इसको जोड़ेंगे ना, इसको और इसको, 140 होएगा। देखो ना, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 140। तो अभी क्वेश्चन फिर से पढ़ के आगे जाएंगे, राइट। तो 2000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 5% नॉर्मल लॉस हुआ 100, और 1400 कंप्लीट किया, 460 इनकम्प्लीट था, 1400 कंप्लीट किया, 460 इनकम्प्लीट था, और टोटल लॉस हुआ 140, 140 में 100 नॉर्मल था, तो बचा 40 क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। बचा 40 क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। अब इधर परसेंटेज दिया रहेगा कंप्लीट का, राइट। तो सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले क्या है, जो मटेरियल होता है ना, जो फिनिश गुड्स होता है ना, उस पर 100% दे दो। कितना परसेंट दे दो, 100। फिनिश गुड्स के लिए आप लोगों को 100% देना, इधर लिखेंगे 100%, इधर भी लिखेंगे 100%, इधर भी कितना लिखेंगे, 100%, ओके। और जो भी एबनॉर्मल लॉस और गेन होएगा ना, एबनॉर्मल लॉस और गेन, उसका भी 100% लेंगे, याद रखना 100 100 100। नॉर्मल लॉस को कंसिडर नहीं करना है, ओके, नॉर्मल लॉस को इग्नोर करना है, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक का परसेंटेज दिया, इधर दिया है इनकम्प्लीट यूनिट्स, मतलब अलग अलग स्टेज में अलग अलग क्या हुआ, कुछ इतना इस्तेमाल हुआ, कुछ इतना बचा रह गया। तो क्या परसेंटेज, कितना यूनिट्स, कितना इस्तेमाल हुआ, वो फाइंड करना है। इनकम्प्लीट यूनिट्स मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है, हैड रीच फॉलिंग स्टेज, तो मटेरियल 75% कम्प्लीट हुआ, लेबर 50%, और ओवरहेड कितना परसेंट, 50%। अब इधर अपने को क्या करना पड़ेगा मालूम है, अब इसका परसेंटेज लेना पड़ेगा अपने को। कैसे लेंगे, तो 75 50 50, इधर आएगा 75, इधर आएगा 50%, इधर आएगा 50%। तो अभी हमने क्या करना पड़ेगा मालूम है, सबसे पहला तो अभी फिनिश गुड्स है ना, उसका कितना लिया, 100%। तो 1400 के ऊपर 100% निकालेंगे तो 1400 आएगा, फिर 1400 के ऊपर 100% निकालेंगे तो 1400 आएगा, फिर 1400 के ऊपर 100% निकालेंगे तो 1400 आएगा। ये 100% है, इसके ऊपर निकालने का, ओके। तो सेम आया, और जो अपना एबनॉर्मल लॉस कितना है, 40 है, एबनॉर्मल लॉस कितना अपना, 40। तो 40 का 100% 40 आ जाएगा, 40 का 100% 40 आ जाएगा, 40 का 100% 40 आ जाएगा।
नॉर्मल लॉस को कंसिडर नहीं करेंगे, ओके, एबनॉर्मल लॉस लिया जाता है। और फिर क्लोथिंग स्टॉक का 100 नहीं लेंगे ना यार, 75-50-50 लेंगे, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 460 का 70% निकालेंगे, 460 का 75%, तो इधर आ जाएगा 345। फिर 460 का 50% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 50%, 230 आएगा। फिर 460 का 50% निकालेंगे, 230 आएगा। तो इतना यूनिट्स उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इसका टोटल ले लेंगे, राइट, तो मटेरियल का कितना आया, 1400 आया, 40 आया, 345, तो इसका आया टोटल 1785 इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसका कितना आया, 1400, 40 और 230, तो 1670 इसका ऐड किया तो 1670। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मतलब इतना यूनिट्स इस्तेमाल हुआ प्रोडक्शन में, मटेरियल लेबर ओवरहेड में। अभी सीधा ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, डायरेक्ट फोर्थ पे आता हूँ ताकि तुमको इजी लगे, अरे समझ में आ रहे, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आधे से ज़्यादा काम तो हो गया। देखो अभी इधर क्या करने का है, यूनिट्स कितना लाया, 2000 लाया, इधर लिखेंगे 2000 यूनिट्स, कितना लिखेंगे 2000 यूनिट्स। और 2000 यूनिट्स में इधर क्या दिया मालूम है क्या, जो 2000 यूनिट्स था ना उसका 58000 कॉस्ट था, कितना कॉस्ट था, तो डायरेक्ट लिख दो, ये प्रोसेस अकाउंट है ना, इधर लिखना पड़ेगा, 2000 यूनिट्स का कितना कॉस्ट था, 58000। फिर उन्होंने अलग से मटेरियल लाया, फिर लेबर हुआ, फिर ओवरहेड हुआ, तो इधर लिखेंगे अलग से मटेरियल, तो इधर लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल। तो अलग से मटेरियल कितना लाया, 14400, इधर लिखेंगे 14400, अमाउंट डायरेक्ट शो करना है। फिर लेबर कितना खर्चा हुआ, 33400। फिर ओवरहेड्स का खर्चा कितना हुआ, 16700। ये तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट है, डेबिट, ये डेबिट साइड का पोस्टिंग किया। तो अभी इधर यूनिट्स तुमको लिखना पड़ेगा, तो नॉर्मल लॉस कितना परसेंट था क्वेश्चन में, 5% था, तो 2000 पे 5% निकालेंगे तो 100 लॉस हुआ। और एबनॉर्मल लॉस कितना था, 40 था, देखो ना एबनॉर्मल लॉस कितना था तुम्हारा, 40। और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना था, 1400 था। और क्लोथिंग स्टॉक कितना है, 460। तो 2000 का ये डिटेल हो गया, ये 2000 यूनिट्स तुम्हारा तो टैली तो हो गया, अमाउंट डेबिट भी लिखना। अभी एक एक का अमाउंट नहीं है, अमाउंट तुमको यहाँ मिलेगा, और यहाँ आने के लिए कांजा चीना जाने के पास पहले रॉफ लाला कांजा चीना, अब इसको सॉल्व करके ये मिलने वाला है, राइट, तो अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। अभी अपने पास क्या आया, क्वांटिटी आया ना, अभी रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेट। तो इधर लिखेंगे मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो मटेरियल कितना है, देखो इधर मटेरियल दो है, 58000 भी है और 14400 भी है, तो दोनों मटेरियल को ऐड करना पड़ेगा। तो 58 भी लेंगे, 58 है और 14400 है, 14400, मतलब इतने सारे मटेरियल कंज्यूम हुए, राइट, 14400। और लेबर का कितना खर्चा हुआ, 33400। और ओवरहेड्स के लिए कितना खर्चा किया, 16700। फिर क्वेश्चन में अपने को चेक करना है कि नॉर्मल लॉस है कि नहीं, हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया है, तो नॉर्मल लॉस कितना परसेंट था, 5% यूनिट्स था, 2000 का 5% निकाला था, 100 यूनिट्स आया था, कितना आया था, 100 यूनिट। और इधर नॉर्मल लॉस का रेट दिया है, स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस में आएगा, यूनिट स्क्रैप रियलाइज कितना रुपया दिया है, 10 रुपया। तो नॉर्मल लॉस क्वांटिटी 100 था और स्क्रैप वैल्यू मतलब 1000 नॉर्मल लॉस, तो जो नॉर्मल लॉस होएगा ना वो 1000 कम करना पड़ेगा, जो मटेरियल लेगा ऐड करके इसमें तो नॉर्मल लॉस कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 1000 कम कर देंगे तो 71400 आएगा। ये अमाउंट सेम कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल देना है, क्योंकि लेबर में आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड नहीं है, ये भी अमाउंट सेम कभी क्या कर दिया हमने, नीचे डाल दिया। तो ये टोटल तुम लोग बाहर डाल सकते हैं, डालना तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो, चलेगा, चलो डाल दिया। अभी इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या लिखेंगे, तो मटेरियल का यूनिट्स कितना है, 1785, तो इधर लिखेंगे 1785। तो अभी अपने को मटेरियल का रेट मिलेगा, क्या मिलेगा, मटेरियल का रेट, तो 71400, ओके, 71400 हो गया, उसको डिवाइड करेगा 1875 से, ये क्वांटिटी है ना, मतलब ये अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है, 1785, तो डिवाइड करके 40 आया, तो मटेरियल का रेट कितना है, 40। वैसे लेबर का डिवाइड करेंगे, 33400 अमाउंट है, ये सब अमाउंट था ना यार, अमाउंट को क्वांटिटी से क्या करना है, डिवाइड। तो लेबर के लिए कितनी क्वांटिटी यूज हुई, 1670, तो 1670 इसको 1670 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो कैलसी 20 जवाब देगा। और 16700 है, इसको 1670 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके आ जाएगा 10 रुपये, कितना आ जाएगा, 10। और तीनों को ऐड करेगा तो 70 आएगा, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा, ये टोटल रेट है, क्या ये टोटल, मैं पूछूंगा मटेरियल का रेट तो आप ये बोलेंगे, ये लेबर का रेट, ये ओवरहेड का रेट। नया क्या है, मटेरियल दोनों तो ऐड किया, नॉर्मल लॉस आएगा तो माइनस करना है, नॉर्मल लॉस आएगा तो 100 क्वांटिटी था और स्क्रैप वैल्यू 10 दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये आ गया ना, रॉफ लाला तक पहुंच गया, अभी कांचा चीने के बाद जाने के,
तो अभी सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है मालूम है क्या? सबसे पहले ढूंढेंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, वाई में जा रहा है ना, फिनिश गुड्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तो फिनिश गुड्स का क्वांटिटी कितना है? 1400। फिनिश गुड्स का क्वांटिटी कितना है? इधर ही देख लो, फिनिश गुड्स का क्वांटिटी कितना, यूनिट्स कंप्लीटेड 1400, राइट। तो अपने को 1400 का रेट ढूंढना है, राइट। तो इधर यूनिट्स लिख देंगे, इधर रेट लिख देंगे, इधर अमाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इधर अमाउंट। आ जाओ, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्या ढूंढेंगे? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स कितना है? 1400 है, इधर भी लिखा है ना 1400, उसका अमाउंट ढूंढना है। तो इधर लिखेंगे 1400। फिनिश गुड्स के लिए टोटल रेट लेने का, फिनिश गुड्स के लिए क्या लेने का? टोटल तीनों का ऐड, तीनों ऐड करके कितना आया था? 70 आया था। तो 70 लिख देंगे। अब दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट बाहर डाल देने का। 98,000 कितना आ गया? 98,000 मतलब इसका अमाउंट आ गया, 1400 है ना, तो उसको 70 से मल्टीप्लाई किया। 70 क्या है तुम्हारा टोटल रेट, 70 क्या है तुम्हारा टोटल रेट। तो मल्टीप्लाई करके 1400 जो यूनिट से अपना 1400 उसका वैल्यू मिल गया 98,000। कितना मिल गया? 98,000। वैसे ही अपने को क्लोजिंग स्टॉक का ढूंढना है। नॉर्मल लॉस को तो मालूम है, नॉर्मल लॉस को 100 यूनिट्स को 10 से करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, इसका टेंशन नहीं है। पर एब्नॉर्मल लॉस भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो एब्नॉर्मल लॉस में कितना यूनिट्स है? 40। एब्नॉर्मल लॉस कितना होता? 40 यूनिट्स था। और एब्नॉर्मल लॉस में भी अपने को टोटल रेट ही लेना है, क्योंकि मटेरियल बनते वक्त वो था, इसके लिए एब्नॉर्मल लॉस में स्क्रैप वैल्यू नहीं लेना है, जो फिनिश गुड्स का रेट रहेगा वही लेना है। तो एब्नॉर्मल लॉस और फिनिश गुड्स में टोटल रेट रहना है, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ब्लैंक्स में भी आ जाएगा। इसके लिए 70 लिया, 40-70 को मल्टीप्लाई करेंगे 2800 हो जाएगा। तो एब्नॉर्मल लॉस का भी अमाउंट आ गया 2800, सिंपल। 1400 था तो टोटल 70 से करके ये भी आ गया। नॉर्मल लॉस को 70 नहीं लेंगे ना, जितने का मटेरियल लाया था उसके हिसाब से लॉस होता स्क्रैप वैल्यू, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब बचा किस पे? क्लोथिंग स्टॉक किस पे बचा? क्वेश्चन में देखो ना, क्लोथिंग स्टॉक 460 था ना, 2000 में था 460, इधर दिख रहा है परसेंटेज ज्यादा है 75-50-50, तो ये यूनिट्स लिखने का। मटेरियल का कितना यूनिट्स है? 345। लेबर का कितना है? 230। और इसका कितना है? 230, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे अलग अलग यूनिट्स कंप्लीट हुआ, इसलिए इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो मटेरियल 345 यूनिट्स है, तो मटेरियल का रेट कितना है? 40। इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेबर का कितना है? 20। और इसका कितना है? 10। जब इसको 40 से करेंगे तो 1380 आएगा, जब इसको 20 से करेंगे तो 4600 आएगा, 10 से करेंगे तो 2300 आएगा। अभी तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो 20700 आ जाएगा। तो ये 20700 किसका वैल्यू आया? 20700 क्लोथिंग स्टॉक का है। किसका वैल्यू आया? क्लोथिंग स्टॉक, वो क्लोथिंग स्टॉक का वैल्यू मतलब ये 460 का वैल्यू आ गया। इधर लिख देंगे 20700। फिर क्या कर देने का? इन दोनों को टैली कर देंगे। टैली करने के बाद क्या है? उड़ी मारो, जीत गए फिर तुम लोग, सेम आंसर आ जाएगा ना यार। तो तुम्हारा टोटल सेम आ जाएगा, 1,22,500। मैंने टोटल कॉपी किया, आप लोग चेक कर लेना, राइट। तो इस तरह तुमको ये वाला सम सॉल्व करने का। अभी वापस स्टार्टिंग से रिवाइज कराता हूँ। सुनो, लाया कितना था? 2000 यूनिट्स, ओके। तो उसमें से क्या बोलो, उन्होंने 1400 कंप्लीट किया, लाया 2000 था, 1400 कंप्लीट किया, और 460 क्लोजिंग स्टॉक था। 460 क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। और 5% नॉर्मल लॉस बोला, इसके लिए 100, और क्वेश्चन में 140 स्क्रैप बोला था। तो अगर 100 नॉर्मल लॉस है तो 40 क्या हो जाएगा? एब्नॉर्मल लॉस। और फिर कंडीशन दिया था मटेरियल के लिए पूरा 100% लेने का, और एब्नॉर्मल लॉस के लिए पूरा 100% लेने का। नॉर्मल लॉस इधर कंसिडर नहीं करेंगे, बट क्लोथिंग स्टॉक के लिए क्यों 100% नहीं लिया? क्योंकि उसका 75-50-50 कंडीशन दिया था। और ये प्रोसेस अकाउंट है, सब खर्चा डेबिट में डाला, मटेरियल लाया था, लेबर लाया था, डायरेक्ट हो रहे 2000 का यूनिट्स था, पर इसका अमाउंट तो नहीं था। अमाउंट के लिए अभी आपने क्या किया? यूनिट्स निकाला, अमाउंट को इससे 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 डिवाइड किया। नॉर्मल लॉस रहेगा तो माइनस करना है, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे, इसको इससे, एक एक का रेट मिला। 70 किसको देने का? फिनिश गुड्स को। 70 किसको देने का? टोटल जो रेट आएगा वो फिनिश गुड्स को देंगे। और नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल लॉस के लिए भी टोटल रेट आएगा, डेट इज 70। और क्लोथिंग स्टॉक को अच्छे से उठा के डाल देने का था, ठीक है। इस तरह था तुम्हारा इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग अलग प्रोसेस में कैसे सॉल्व होता है। तो आई हैव ट्राई माई बेस्ट लेवल, ओके। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ऑल द बेस्ट।